मैं प्रिया आपके साथ। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने मंगलवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो शेयर किया जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पुलिस सिसोदिया को लेकर जाती दिख रही है। इसी दौरान मीडियाकर्मी सिसोदिया से केंद्र के अध्यादेश को लेकर सवाल पूछने लगते हैं। सिसोदिया इसके जवाब में कहते हैं कि प्रधानमंत्री में अहंकार आ गया है। उनके इतना कहते ही पुलिस ने उन्हें आगे बोलने से रोक दिया और गर्दन के पीछे से कॉलर पकड़कर खींचकर ले गई। इस वीडियो के कैप्शन में आपने लिखा, दिल्ली पुलिस और नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की मनीष सिसोदिया के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? मोदी आपकी तानाशाही पूरा देश देख रहा है। इसके कुछ देर बाद पार्टी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया, हालांकि बाद में अकाउंट बहाल हो गया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।